नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना से 56 लाख से अधिक लोग संक्रमित, तो 3 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, वहीं 24 लाख 30 हजार से ज्यादा मरीज हुए ठीक। भारत में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार, तो अब तक 4,337 लोगों की मौत, वहीं 60,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने हेल्थ एक्सपर्ट से की बात, एक्सपर्ट ने कहा टीका अगले साल तक आने का भरोसा, भारत को 50-60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। जयपुर के जेएनयू अस्पताल की कोविड 19 मॉलिकुलर लैब का उद्घाटन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह भी रहे मौजूद। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 7,645, वहीं 172 लोगों ने गंवाई जान, तो अब तक 4,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक।